तो दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में अभी इनके घनमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने देखा ना कंप्लीट समझ कर देखा ना, तो आप देखते ही तुरंत आंसर निकाल दोगे या अपने मुंह से बोल दोगे तुरंत आंसर। तो देखिए किस तरह आंसर निकालते हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए इनके आंसर कितने सिंपल हैं, कितने तरीका से मतलब कितने सरल तरीका से इनके आंसर से निकाल सकते हैं आप, घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका इसका 26 और इसका है 31 और इसका 56 और इसका 83। तो दोस्तों जितनी देर में मैंने इनका आंसर निकाला है उतनी देर में आप इनका आंसर निकाल सकते हैं किसी भी घनमूल संख्या। तो घनमूल आप किस तरह निकालना हुआ बताने वाला हूं मैं। देखिए मुझे कितना टाइम लगा, इससे भी कम टाइम में आप निकाल सकते हैं और किस तरह निकालना है वो सब कुछ क्लियर बता रहा हूं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को एक से दस तक के घन तो आपको पता ही होगा, एक से दस तक के घन आपको पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक से दस तक के घन आपको पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, एक से दस तक। तो आगे बात करते हैं हम किस तरह निकाल ले हैं। तो इसे मैं साइड में रख देता हूं। ये देखिए ये रहे आपके सामने। तो इनके किस तरह घनमूल निकालना है वो अभी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। मुझे आशा है कि आप लोगों को एक से दस तक के घन आपको अच्छी तरह से याद होंगे, आपको पता होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और इस तरह ही हमारे न्यू टॉपिक और आते रहेंगे। कंप्लीट मैथ में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं इसी तरह बताता रहूंगा आप लोगों को। तो चलो हम पहले इसे बता देते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं बता देता हूँ रिपीट करके, एक का एक होता है, दो का आठ होता है, तीन का 27 होता है, चार का 64 होता है, पांच का 125 होता है और छह का 216 होता है, सात का 343 होता है, आठ का 512 होता है, नौ का 729 होता है और दस का 1000 होता है। ओके दोस्तों, तो आपका पता पड़ गया होगा। अब देखिए आप लोगों को बता दें घनमूल किस तरह निकाल लें। पहली बात बता दूं मैं कि आपको अगर कोई भी घन अगर यह इस तरह से लगे इसका किसी का घनमूल निकालना हो तो आपको पहले उसमें पहली तीन संख्याएं आपको सिलेक्ट कर लेनी है पहले। जैसे कि हमें ये तीन संख्याएं ये इसकी तीन संख्याएं, इसकी भी तीन संख्याएं, इसकी भी फर्स्ट वाली तीन संख्याएं, इसकी भी तीन संख्याएं, इसकी भी तीन संख्याएं, इसकी भी तीन संख्याएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट कर ली तीन संख्याएं। अब जैसे कि हमें इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है तो पहली जो तीन संख्याएं हैं उसके पहले अंक का कितना घन होता है, इसीलिए मैं कह रहा था जैसे कि पहला अंक क्या है 6, 6 का घन कितना होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूं कि आपको ए कंप्लीट याद होना चाहिए, एक से दस तक तो होना ही चाहिए अच्छी तरह, तभी आप इनके घनमूल निकाल सकते हैं। तो हमें इन तीन अंक जो पहले दिखाई दे रहे हैं उसका पहले अंक का घन कितना होता है 216, कितना होता है 216। तो 216 हमें पूरी संख्या नहीं लिखनी है, केवल पहली संख्या इसकी लिखनी है, क्योंकि यहाँ तीन अंक है इसकी पहली संख्या ही कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पहली संख्या ही लिखेंगे, हमने लिखा 6। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम बची दो संख्याएं, कितनी बची हैं दो संख्या बची हैं, तो दो संख्या कितनी है 17। तो 17 ऐसी ऐसा घन देखिए, ऐसा यहां पर देख सकते हैं ऐसा घन देखिए जिन घन दो घनों के बीच में हमारा हमारी यह संख्या आ रही होगी 17। तो यहां पर देख सकते हैं किन दो संख्याओं के बीच हमारी 17 आ रही है, 8 और 27 के बीच। अगर ऊपर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 27 से ही ज्यादा हो जाएगा।
हमें 17 देखनी है, तो 8 और 27 के बीच में हमारी 17 संख्या आ रही है। तो 8 और 17 ये दोनों किसकी हैं? 2 की और 3 की। किसकी है? 2 की और 3 की। तो इन दोनों में से हमें छोटी संख्या लेनी है 2, तो ये किसका हो गया? 26 का हो गया। इसी तरह से इसका मैं बता रहा हूं, इसीलिए आपको टाइम ज्यादा या मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आप 791 का देख सकते हैं, 791 का देख सकते हैं, तो 791 जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमें तीन संख्याओं पहली संख्या का देखना है। तो पहली संख्या का क्या होता है गण? 1 और 29 किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है? 3 और 4 के बीच में 3, तो कितने का है? 31 का। कितना टाइम लगा? नहीं लगाना, क्योंकि देखो 1 का कितना होता है घन? 1। और बची दो संख्या 29, 29 किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है? 27 और 64 के बीच में। 27 से नीचे जाएंगे तो छोटी संख्या रह जाएगी, 27 और 64 के बीच में हमारी 29 संख्या आ रही है। किन इनके दो संख्याओं का है? 3 और 4 का। सबसे छोटी संख्या लेंगे 3, तो 31 का हो गया क्या? इसी तरह देखो हम इस संख्या का लें, इस संख्या का, तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा लास्ट की तीन संख्याओं की पहली संख्या का, तो यहाँ पर 616 देख सकते हैं, लास्ट वाली 616 देख सकते हैं। तो 616 हमें पहली संख्या का घन निकालना है, तो पहली संख्या का घन कितना होता है? 216। 216 की पहली संख्या 6। अब बची 175। 175 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है? 175 5 और 6 के बीच में, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 56। ओके 5 लेंगे, तो कितने का हो गया? 56 का। अब देखिए इसका निकाले पहली संख्या 7 का कितना होता है? 343, तो 3। 571 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है? 571, तो आप यहां देख सकते हैं 512 और 729 के बीच की संख्या है 571। 571, 512, 729, 8 और 9 के बीच की, तो 8 लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। ओके दोस्तों, तो छोटी संख्या कितनी? 8। अब इस तरह हम इसकी भी संख्या निकालें, 375 में देखिए जी 5 का, 5 का तो आपको बताइए, तो 5 का तो 5 ही आता है, 5 का तो 5 ही आता है, चाहे घन निकाल लो। तो यहाँ पर देखिए 857, यहाँ पर भी तीन संख्या है, तीन संख्या है, तो 857 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है? 9 और 10 के बीच की। छोटी संख्या लें तो कितना है? 9। ये 95 का घनमूल हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो 7 का कितना होता है? 343 होता है, 7 का 343 होता है, इसीलिए मैं कह रहा था 1 से 10 तक आपको आना चाहिए। तो 7 का कितना होता है? 3। 804 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है? 9 और 10 की, 9। अब बात करते हैं हम लास्ट की, तो लास्ट में देख सकते हैं आप, लास्ट में आप देख सकते हैं लास्ट में तीन संख्या है और यहां पर भी तीन संख्या है। तो यहां देखिए हमें पहली संख्या को ही लेके चलना है, बस पहली संख्या को लेके ही चलना है। तो 7 का कितना होता है? 343, 3। और 250 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है? 250, 6 और 7 की, आप देख सकते हैं 216, 343, इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या है 250। तो 6 और 7 छोटी संख्या लेंगे, कितना है? 6। ये 63 का है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से कब रूट समझ में आ गया होगा, घनमूल आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों इसी तरह से मेरे और भी टॉपिक्स आते रहेंगे। पहली बात बता दूं, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही अच्छी ध्यान रखने वाली बात है, किस तरह कि इस जो मैंने बताई है ना, ये सिर्फ 1 से 100 तक नहीं, आप किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका घनमूल निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। जो इस वीडियो में जो ट्रिक बताई है, इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी बड़ी से बड़ी घनमूल संख्या, किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि यह एक एक नंबर में तुरंत ऐसा, मतलब यह सेकंडों में आंसर देने वाले में 5-5 मिनट खराब हो जाती है किसी बंदे की। तो हमें ये कोई भी जिस सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में 3 मिनट लग रही है, 2 मिनट लग रही है, तो उसे सेकंडों में करने के लिए मैं आगे टॉपिक से लाता रहूंगा। इसी तरह से ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको पहली जे तीन संख्याओं को, मतलब तीन संख्याओं में से पहली संख्या ही सिलेक्ट करनी है,
ये ध्यान रखना है हमें। तो इन तीनों का मैटर खत्म हो जाता है वहीं पर, और फिर बाद की संख्याओं का। ओके दोस्तों, मुझे आशा समझ में आ गई हो। नई बंदी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।